गाइड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की शुरुआत मैं कर रही हूँ कपड़ों से। ये कपड़े मेरे धुल चुके हैं, मैं जल्दी ही निकल जाऊँ। पानी भी मेरा लास्ट में देखिए एकदम काला काला सा हो गया है। अभी ये मेरे कपड़े धुल चुके हैं मेरे, और अभी बज गए हैं 11। ये देखिए 11 बज गए हैं और मेरा काम अभी नहीं हुआ है, जो कि मेरे सिर्फ एक बर्तन ही धुले हैं। बर्तन धुलने के बाद अभी मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी। ये सिंक मेरा देखिए, ये बर्तन धुल चुके हैं और मेरा नाश्ता पानी सब हो चुका है, सब लोग जा चुके हैं। और ये प्याज मैं लेकर आई थी, तो ये मैंने इसमें टोकरी में रख दिए हैं, इनको भी रखना है। और यहाँ पे मेरी टेबल साफ़ कर चुकी हूँ, थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है जो कि मैं अभी हटाऊँगी। ये मैंने धनिया साफ़ किया था, अगर धनिया साफ करके ना रखो तो वो हो जाता है पीला पीला। और थोड़ा सा यहाँ से साफ़ करना रह गया है। और मेरा बेड मैंने यहाँ से साफ़ कर दिया है। अब बेड साफ़ करने के बाद अब मैं लगाऊंगी झाड़ू और पोछा, फिर बर्तन ये कपड़े धोऊंगी, पानी में से निकालना है। और आज धूप निकली है और मेरे करेले की बेल में छोटे छोटे करेले आना शुरू हो गए हैं। देखती हूँ, कई फूल तो झड़ गए हैं, नीचे ही गिर गए हैं। और ये करेला कैसे दिखाऊँ, नहीं दिख रहा है अभी, क्योंकि ये छोटा सा है। ये वाला फूल में हुआ है, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, छोटा सा करेला। और तो अभी करते हैं झाड़ू पोछा और फिर उसके बाद करेंगे कपड़े वाश। तो चलिए फिर कर लेते हैं। मैंने 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं डाली है, क्योंकि रोज़ समझ में नहीं आता क्या वीडियो डालूं। मैं कपड़े धोऊंगी, ये मैं निकाल चुकी हूँ कपड़े, इतने से कपड़े मैंने धो लिए हैं। मेरे कपड़े ज़्यादा थे भी नहीं आज, लेकिन ये कपड़े की वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि उस दिन सारा दिन ऐसे ही लग जाता है मेरा। तो चलिए फिर कर लेते हैं काम। ये देखिए सारा मेरा अभी झाड़ू नहीं लगा है, तो चलिए लगा लेते हैं झाड़ू और मिलते हैं आपसे। यहाँ मैं कपड़े धो लेती हूँ, जल्दी जल्दी मेरे कपड़े धुल जाएंगे। कपड़े धो के मैंने यहाँ डाल दिए हैं। अब यहाँ धूप में सूख जाएंगे ये, क्योंकि मेरी जगह ही नहीं है, तो मुझे अब ये चादर डालनी बाकी रह गई है। और जगह बहुत शॉर्ट हो जाती है, तो डालना मुश्किल हो जाता है। और मैं लगाऊंगी पोछा और फिर इसके बाद मैं नहाऊंगी। नहाने के बाद फिर मुझे चावल बनाने हैं, क्योंकि मैंने सुबह ही सब्जी बना ली थी, छोले की सब्जी। तो चलिए जल्दी से इस मशीन को रखते हैं और फिर लगाते हैं पोछा। यहाँ पे निकाल लिए हैं मैंने सारे।
पड़े, अभी एक बार और होंगे। चावल बना लिए हैं, मेरे चावल बन चुके हैं, सब्जी तो मेरी सुबह ही बन चुकी थी, और अब फटाफट इनको उतार के फिर आज मेरे चावल का पानी सारा गिर गया यहाँ पे, इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। तो चलिए फिर आने वाले हैं बच्चे, मिलते हैं थोड़ी देर में। राइट, यहाँ मैं चाय बना के दे चुकी हूँ, चाय मैंने 4 बजे ही दे दी थी, कप भी पड़े ही हुए हैं, मैंने धोए नहीं हैं, अब बर्तन धोने हैं दोपहर के, सारा दिन तो काम में ही लग जाता है। और अभी बज चुके हैं 6, क्योंकि मैं थोड़ा लेट गई थी, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी, तो बज चुके हैं 6। और अब मैं बर्तन साफ़ करके करूँगी मैं यहाँ पे पूजा, तो पूजा करने के बाद फिर खाने की तैयारी होगी। तो गाइड्स, मैं बना रही हूँ फूल गोभी की सब्ज़ी और आलू मिक्स, क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रोज़ रोज़ का यही ड्रामा है, खाने का सबसे बड़ा ड्रामा, हर घर में प्रॉब्लम, क्या बनाएं क्या खाएं, आस पड़ोस में भी पूछ लेते हैं हम तो कि आज क्या बनाएं, आज आपने क्या बनाया है। तो फिर हमें तो मेरे पास तो सिर्फ गोभी ही पड़ी है और मूली रखी है, लेकिन मैं मूली बनाऊंगी नहीं, मैं फूल गोभी ही बनाऊंगी, क्योंकि ये बच्चे खाते नहीं हैं मूली को, वो सिर्फ मुझे ही खानी पड़ेगी। तो चलिए फिर काट लेते हैं मूली, ओ सॉरी गोभी, और तो फिर बनाते हैं खाना। हेलो गाइड्स, खाना तो बन चुका है और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, और ठंड बढ़ चुकी है, चलिए देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं और शैतानी कर रहे हैं, देखो कितनी तेज आवाज आ रही है, ये देखो बैट बॉल खेल रहे हैं, बैट बॉल, और आवाज इतनी तेज आ रही है इनको चैन नहीं आता है रात को भी, क्या करेंगे। और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, और ब्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर ब्लॉग एंड करते हैं, गुड नाइट।